हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस फ्रॉम कारपेंटरी शॉप। आज हम वर्कशॉप से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कारपेंटरी शॉप से रिलेटेड हैं। इसमें हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो कारपेंटरी शॉप से आपसे पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो वाइवा क्वेश्चंस है वर्कशॉप से रिलेटेड वो आपसे प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं। और जैसे कि आप सभी के प्रैक्टिकल्स अब पास आ चुके हैं तो हमने सोचा कि आपके लिए डिफरेंट शॉप्स से हम वर्कशॉप के वाइवा क्वेश्चंस पूछें ताकि आपका जो वर्कशॉप जो प्रैक्टिकल है वो काफी अच्छे से आप उसे दे सके। तो इसलिए आप देखिए आज हम एक शॉप लेके आए हैं जिसका नाम है कारपेंट्री शॉप। कारपेंट्री शॉप का अर्थ होता है जिसमें आप वुडन जो वुड है या लकड़ी है, लकड़ी का उपयोग करके आप इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं। लकड़ी का उपयोग करके आप कोई भी जॉइंट्स बना सकते हैं। इसमें कारपेंट्री शॉप में जो मेन आपका इक्विपमेंट होता है वो आपकी वुड होती है। वो क्या होगी आपकी वुड। देखिए कारपेंट्री शॉप में जो लकड़ी है जिसे आप वुड कहते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वुड का यूज करके ही आप ज्वाइंट बनाते हैं कारपेंट्री शॉप में। अब आप देखिए कि जो वुड हम यूज करते हैं कारपेंट्री में, उसको आप देखिए कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहले आप देखिए हार्डवुड, यानी देखिए कुछ कठोर लकड़ी होती है, कुछ यहाँ पर मुलायम वुड होती है और कुछ यहाँ पर जो होगी वो टिम्बर होगा। वो क्या होगा, टिम्बर होगा। तो आप देखिए सॉफ्ट वुड में आप देखिए क्या क्या आ सकता है। ये देखिए जो सॉफ्ट वुड है इसमें, देखिए जो सॉफ्ट वुड है इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पाइन इसमें आ सकता है, देखिए पाइन आ सकता है इसमें, चीड़ आ सकती है इसमें। ये इसके एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकते हैं वाइवा क्वेश्चंस में कि सॉफ्ट वुड के आप एग्जाम्पल्स दीजिए, तो आप पाइन और चीड़ देंगे। अगर आपसे हार्ड वुड बोले कि हार्ड वुड जो है उसके आप एग्जाम्पल दीजिए तो आप देंगे मैंगो। आप क्या देंगे, मैंगो। अब वहां पर लिखेंगे कि जो मैंगो है वो आपका हार्ड वुड में आता है। किसमें, हार्ड वुड। मैंगो हो गया, आपका नीम हो गया, ये सब जो वुडन जो लकड़ियां हैं या आपको हार्डवुड के रूप में मिलेंगी। और एक होती है टिम्बर, और एक होता है टिम्बर जिसे आप सिंपल वुड कहते हैं। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ वुड। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो कारपेंटरी में जो कारपेंटरी शॉप होती है इसमें जो यूज होता है, जो वहां पर यूज होता है वो कारपेंटरी के अंदर तब आता है जब आप लकड़ी से डिस्कस करते हैं, लकड़ी के आप क्या करेंगे, ज्वाइंट बनाएंगे। वहां पर आप सारा वुडन का काम करेंगे और जो वुडन का काम करते हैं उसको आप बोलते हैं कारपेंटर। उसको आप बोलेंगे कारपेंटर, जो लकड़ी से जो कार्य करते हैं उसको आप कारपेंटर बोलते हैं। हिंदी में उसे आप बड़ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बड़ई बोलेंगे। तो कारपेंटर है जो कि कारपेंटर शॉप में काम करते हैं। अब आप देखिए और क्या इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कारपेंटरी शॉप से ड्यूरिंग योर वाइवा। तो सबसे जो कॉमन सवाल है वो है व्हाट इज सीजनिंग, सीजनिंग क्या होती है। तो देखिए सीजनिंग एक प्रोसेस है, देखिए सीजनिंग जो है वो एक प्रोसेस है टू रिमूव वाटर फ्रॉम द वुड, यानी वाटर को रिमूव करना वुड से। यदि आप देखिए आपके पास जो वुड आप यूज कर रहे हैं उसमें यदि आपके वाटर हो, यदि उसमें आपके वाटर हो, मॉइस्चर हो, तो वो आपकी वुड जो होती है वो कैसी होती है, बेकार होती है, वो आपके काम करने योग्य नहीं रहती। तो सीजनिंग वो प्रोसेस है जिसके कारण आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वाटर को फ्रॉम वुड, वुड से आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वाटर को। तो वो हो गई आपकी सीजनिंग। अब आप देखिए कुछ कारपेंटरी के टूल्स हम यहाँ पर जानेंगे। वहां पर एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपके सामने टूल्स भी रखे होंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं कारपेंटरी में, आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो कारपेंटरी आपकी शॉप होती है इसमें आप देखिए सबसे पहले मेजरिंग टूल्स इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप मेजर करें, जिससे आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दूसरा मार्किंग टूल, दूसरा यहाँ पर आएगा मार्किंग, जिससे आप मार्क लगाते हैं, जैसे पेंसिल हो गया आपका, ट्राई स्क्वायर हो गया, वो आपका आते हैं मार्किंग टूल्स में। फिर कटिंग टूल्स हो गए आपके, होल्डिंग टूल्स हो गए, प्लानिंग टूल्स हो गए। फिर यहाँ पे आपके देखिए सिक्स्थ है ड्रिलिंग टूल्स, सेवन्थ है स्ट्राइकिंग टूल्स। तो ये सात प्रकार के कारपेंट्री में आप टूल इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक आप देखेंगे, सबसे पहले मेजरिंग टूल्स, कि मेजरिंग टूल्स क्या है और मेजरिंग टूल्स का हम उपयोग क्यों करते हैं देखिए कारपेंट्री में। तो देखिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, जैसे आप लकड़ी ही आपने ली है तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टील रूल का उपयोग करेंगे। किसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, तो आप किसका यूज करेंगे, स्टील रूल का, जिसको आप स्केल कहते हैं सामान्य भाषा में, स्टील रूल। और यहाँ पर इंच टेप, इंच
टेप, तो ये आ गया आपके मेजरिंग टूल में, जो कि आपका कारपेंट्री शॉप में मेजर करने के काम आता है। किसी भी जैसे लकड़ी है तो आप उसको मेजर करेंगे, व्हाट इज द लेंथ, क्या है इसकी विड्थ, क्या है, ये सब आप मेजर करेंगे, लंबाई चौड़ाई, तो वहां पर आप मेजरिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये अगर आपके सामने रखे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये स्टील रूल है, ये इंच टेप है, इसका यूज हम कारपेंट्री शॉप में करते हैं। अब आप देखिए मार्किंग टूल, मार्किंग टूल्स का मतलब होता है कि हम मार्क करें, हमें मार्क करना, वुड पे आप कैसे मार्क करेंगे, तो देखिए ट्राई स्क्वायर हो गया यहाँ पर हमारा, दूसरा हो गया स्क्राइबर, और थर्ड आता है देखिए मार्किंग गेज। इन तीन चीजों का उपयोग करके हम मार्किंग करते हैं कारपेंट्री शॉप में। देखिए ट्राई स्क्वायर का जो कार्य होता है वो पैरेलल लाइंस भी खींचता है, देखिए जो ट्राई स्क्वायर है वो पैरेलल लाइंस भी खींचता है, मैं आपको बता दूं पैरेलल लाइंस। इसमें देखिए इस स्केल में ट्राई स्क्वायर में आपका देखिए हैंडल होगा, ये देखिए आपका एक यहाँ पर हैंडल है जिससे आप इसको पकड़ेंगे, ये आपका हैंडल हो गया यहाँ पर, और एक आपका यहाँ पर एक ब्लेड हो गया, क्या हो गया ब्लेड, जिस पर आपका स्केल ग्रेजुएटेड रहता है, जिस पर आप देख सकें कि आपको कितनी सेंटीमीटर की कितने एमएम की पैरेलल लाइंस खींचनी है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। फिर यहाँ पर आपने देखा कि एक है मार्किंग गेज, दिस इज कॉल्ड मार्किंग गेज। इसमें भी देखिए जो आपके ग्रेजुएशन होते हैं जिसमें आपकी यूनिट्स होती हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर में, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, यहाँ से भी आप पॉइंट लगा सकते हैं किससे, मार्किंग गेज से। और एक आता है स्क्राइबर, एक होता है भाई स्क्राइबर, ये देखिए इसका आगे सार पैज होती है, तो सार पैज से भी आप क्या कर सकते हैं मार्क लगा सकते हैं किसी भी वुडन ब्लॉक पर या किसी भी वुडन ज्वाइंट पर जो कि आप बनाएंगे। तो ये आते हैं हमारे मार्किंग टूल के अंदर। इसके बाद आप देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि आप कारपेंट्री में यूज होने वाले कटिंग टूल्स के बारे में बताएं, तो देखिए जो सबसे कॉमन आपके सामने जो चीजें रखी हो सकती हैं वो हो सकती है सॉ, क्या हो सकती है सॉ, जिसे आप आरी कहते हैं हिंदी में सॉ। देखिए यहाँ पर आपके पास दो आरी मैंने यहाँ पर शो की है जो कि कॉमनली आपके सामने रखी हो सकती है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल। तो देखिए ये आरी है वो रिप सॉ है, कौन सी सॉ, रिप सॉ। देखिए रिप सॉ जो होती है वो लगभग यहाँ पर आपके 70, देखिए कितनी इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स, यहाँ देखिए 70 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है इसके ब्लेड की, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है देखिए 70 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है रिप सॉ की। ये हैंड सॉ होती है, इसे आप हाथ से कार्य करते हैं देखिए, और इसमें देखिए जो इसके टीथ होते हैं इस प्रकार, ये इसके टीथ होते हैं रिप सॉ के, वो लगभग 2 टीथ पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने टीथ होंगे, अधिकतर 2 टीथ होते हैं, कितने टीथ होते हैं 2 टीथ होंगे 1 सेंटीमीटर में। अब आप देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मैंने सॉ बताई है आपको, उसका नाम है यहाँ पर आपका देखिए टेनन सॉ, इसको आप कहते हैं टेनन सॉ। ये देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप की है, टेनन सॉ जो है वो आपके सामने इस तरीके से, इसकी जो लेंथ होती है देखिए वो लगभग 40 सेंटीमीटर के बराबर होती है, कम होती है, और ये टेनन सॉ होती है। देखिए जो इसकी सॉ है ये देखिए, इसका भी यहाँ पर देखिए हैंडल यहाँ पर लगा हुआ है, और ये आगे देखिए स्टील इसका मटेरियल यहाँ पर आगे होता है। और क्या आप यूज कर सकते हैं कटिंग में, तो वो है चीजर्स, वो है चीजर्स, चीजर्स का आप यूज करते हैं। देखिए ये जो दोनों है इसको आप चीजर कहते हैं, इनका यूज भी आप कटिंग के लिए करते हैं, वुड को काटने के लिए करते हैं। देखिए जो सिंपल आपके यहाँ पर चीजर है इसको आप कहते हैं फर्मर चीजर, क्या कहेंगे फर्मर चीजर। और आप देखिए इस तरीके की यहाँ पर अगर आप शेप देख रहे हैं इसकी, तो इसको आप कहेंगे मोटाइज, क्या कहेंगे मोटाइज चीजर कहेंगे। ये भी आपके सामने रखे हो सकते हैं कि ये कौन सा इक्विपमेंट है, तो आप कह सकते हैं चीजर है जो कि कटिंग टूल का कार्य करती है कारपेंट्री शॉप में। यहाँ पर आप देखिए इसका यहाँ पर ये पार्ट हैंडल है, ये इसकी ब्लेड है, देखिए ये हैंडल है इसका पार्ट, ये हैंडल है, ये यहाँ पर ब्लेड है इसका, और जिस पार्ट से ये जुड़ रखा है इसे आप फिरूल कहते हैं, क्या कहेंगे फिरूल कहेंगे इसको, फिरूल कहेंगे आप इस पार्ट को। देखिए चीजल का ये पार्ट जिससे आपका हैंडल कनेक्ट रहता है उसे आप फिरूल कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देखिए प्लानिंग, यहाँ पर आपका आता है होल्डिंग टूल्स, होल्डिंग टूल यानी आप कोई भी ज्वाइंट बनाते हैं तो आप कहाँ पर उसको होल्ड करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए आपकी वाइज यहाँ पर लगी हुई है, क्या लगी हुई है वाइज लगी हुई है, इसको आप बोलते हैं बेंच वाइज, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप बोलेंगे बेंच वाइज। बेंच वाइज का आप उपयोग करते हैं किसी भी ज्वाइंट को यहाँ पर होल्ड करने के लिए, जिससे आप यहाँ पर इजीली इसको ऑपरेशन कर पाए, या आप ज्यादातर कारपेंट्री में ही बेंच वाइज का उपयोग करेंगे। देखिए फिर आता है प्लेनिंग टूल, यानी आप देखिए इसको हिंदी में वरंदा भी कह सकते हैं। देखिए यदि आपको कोई सरफेस, आपने कोई वुडन ज्वाइंट बनाया और उसकी इस प्रकार से सरफेस है, रफ सरफेस है, बहुत ही
रफ सरफेस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका प्लेनर है इसको आप क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर दो प्रकार की, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको प्लेनर शो किए हैं, एक तो यहाँ पर देखिए वुडन प्लेन है, जिस वुडन प्लेन, और यहाँ पर है आयरन प्लेन, यहाँ पर ये किया है आयरन जैक प्लेन, आयरन जैक प्लेन। इन दोनों का कार्य होता है कि जो सरफेस है इसको स्मूथ करना, प्लेन करना बिल्कुल। ये आयरन का होता है, इसको आप कहेंगे आयरन जैक प्लेन, और इसे कहेंगे वुडन प्लेन, जैक प्लेन आप कहेंगे। देखिए इसमें एक ब्लेड लगी होगी, देखिए, और जब आप उस ब्लेड को इस तरीके से इस वर्क पीस पे आगे पीछे करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी आपकी सरफेस। तो आप बता सकते हैं कि ये प्लेनिंग टूल जो होता है उसको आप हिंदी में रंदा कहेंगे, और इंग्लिश में आप उसको वुडन जैक प्लेन या आयरन जैक प्लेन, दो तरीके की आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है आपका ड्रिलिंग टूल्स, यानी देखिए ड्रिल, आपको लकड़ी में यदि ड्रिल करनी है तो आप हैंड ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी सबसे अधिक ड्रिल आप यूज करते हैं, हैंड ड्रिल, देखिए हैंड ड्रिल यहाँ पर होती है। आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ड्रिल बिट्स को लगा सकते हैं जिनका डिफरेंट डायमीटर होता है, वो आप अकॉर्डिंग टू वर्क यहाँ पर लगाएं। ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली ड्रिलिंग टूल है जिसका नाम होता है हैंड ड्रिल, यहाँ पर नाम होगा। तो इस प्रकार से यह आपका हो गया हैंड ड्रिल। यहाँ पर ये देखिए ये पार्ट है, इसको आप चक कहते हैं, क्या कहेंगे, चक कहेंगे, जिस पर यहाँ पर सर्कल बना हुआ है। इस चक में ही आप डिफरेंट जो आपकी जो ड्रिल्स हैं, ड्रिल बिट हैं, उनको आप फिट करते हैं। देखिए इसके बाद आप देखिए यहाँ पर स्ट्राइकिंग टूल, स्ट्राइक यानी जो स्ट्राइक करें वर्क पीस पर। तो देखिए यहाँ पर है आपका हैमर, इसको आप कहते हैं क्लॉ हैमर, क्या कहेंगे, क्लॉ हैमर। इसके देखिए दो एंड अलग अलग एंड है इसलिए इसको क्लॉ हैमर बोला है। और जो लकड़ी का यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसका, लकड़ी का आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हैमर, इसको आप मैलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैलेट। ये भी आपके सामने रखा जा सकता है वर्कशॉप वायवा के दौरान, आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे दिस इज मैलेट, जो कि लकड़ी से ही बना होता है, जो कि टोटली हार्डवुड से आपका बना होता है। इसकी शेप सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ये स्ट्राइक करने के काम आता है, क्या करने के, स्ट्राइक। यदि आपको स्ट्राइक करने, कटिंग टूल के पीछे से आप चीजल के पीछे किससे मारेंगे, तो हैमर से ही, तो आप वहां पर स्ट्राइकिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपका हो गया स्ट्राइकिंग टूल्स। अब आप देखिए टूल्स एंड हो गए, अब आप देखिए क्या क्या ज्वाइंट्स आप कार्पेंट्री में बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए जो सिंपल मैंने आपको यहाँ पे ज्वाइंट बताए हैं, सबसे पहले आप देखिए जिसमें कॉर्नर मिल रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे कॉर्नर ज्वाइंट, क्या कहेंगे, कॉर्नर लैप ज्वाइंट, कॉर्नर लैप ज्वाइंट। लैप का मतलब होता है दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, कॉर्नर लैप ज्वाइंट आप इसे कहेंगे। इस यदि आप देखिए कोई एंगुलर यहाँ पर जुड़ेगा, कोई एंगल में यहाँ पर आपकी ज्वाइंट जुड़ रहा है, तो इसको आप कहते हैं मिट्री ज्वाइंट, कैसा ज्वाइंट, मिट्री ज्वाइंट आप कहेंगे इसको, देखिए इस प्रकार मिट्री ज्वाइंट। इसके बाद आप देखिए ये आपका है यहाँ पर टी ज्वाइंट, क्या कहेंगे आप इसको, क्रॉस हाफिंग ज्वाइंट भी, क्रॉस हाफिंग नहीं, आप इसको टी ज्वाइंट कहेंगे, यहाँ पे टी बन रहा है आपका, टी ज्वाइंट हो गया। इस प्रकार से यदि आपकी शेप है तो इसको आप डवटेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डवटेल ज्वाइंट। इस प्रकार के जो ज्वाइंट हैं वो कार्पेंट्री में बनाए जाते हैं, और यही आपसे कार्पेंट्री में जो इम्पोर्टेंट सवाल है यही आपसे पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल के दौरान। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, आप हमारे चैनल को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, इस पर गिवन आईडी। और यदि आप इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिटिंग की वीडियो बनाएंगे कि फिटिंग शॉप से आपसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, और इंजीनियरिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।